जय माता दी दोस्तों, देसी भक्ति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देवउठनी एकादशी की सही तिथि, मुहूर्त, पारण समय और महत्व के बारे में बताएंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि देवउठनी एकादशी के नाम पर प्रसिद्ध है। इसे प्रबोधिनी एकादशी या देवउत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन चतुर्मास समापन होता है, क्योंकि इस तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह के योग निद्रा से बाहर आते हैं। चतुर्मास के समापन पर भगवान श्री हरि विष्णु फिर से सृष्टि के संचालन का दायित्व लेते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने का विधान है। देवउठनी एकादशी से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। जानते हैं कि देवउठनी एकादशी व्रत कब है और पूजा एवं पारण का समय क्या है। पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ 3 नवंबर दिन गुरुवार को शाम 7:30 से हो रही है। इस तिथि का समापन अगले दिन 4 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 6:08 पर होगा। ऐसे में उत्तरा तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी व्रत 4 नवंबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी का पूजा मुहूर्त। 4 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पूजा सुबह 6:35 से 10:42 के मध्य कर लेनी चाहिए। इस समय भी सुबह 7:05 से 9:20 तक लाभ उन्नति मुहूर्त और सुबह 9:20 से सुबह 10:42 तक अमृत सर्वोत्त मुहूर्त है। आइए जानते हैं देवउठनी एकादशी पारण का समय। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण 5 नवंबर दिन शनिवार को किया जाएगा। इस दिन सुबह 6:36 से 8:47 के मध्य कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन शाम